सो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नया साल का बहुत सारा शुभकामनाएं, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सिर्फ हैप्पी नहीं हो, लकी भी हो। ये 2023 होता क्या है दोस्तों, बहुत बार हम लोगों का इतना वर्क प्रेशर रहता है, या फिर हम लोग ऐसा जॉब करते हैं, ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके वजह से शायद मैक्सिमम टाइम घर से बाहर आउट ऑफ द सिटी या स्टेट रहना पड़ता है, या फिर घर में हमारे स्टेट में रहेंगे तो भी इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने पेट को, अपने फिश को मेंटेन करने का, केयर करने का, उसका प्रॉपर तरीके से वाटर चेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये करने का वक्त नहीं होता है। बहुत बार हम लोग किसी को अपॉइंट तो कर देते हैं, कभी डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, वो मैं सारा फिश का वीडियो दिखाऊंगा जो फिश आप ईजिली रख सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ फिश, ऐसा कुछ वैरायटी जो है लो मेंटेनेंस, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखने से ही ये फिश अच्छे से रहेगा, बढ़िया से रहेगा और ग्रो भी करेगा। लेकिन ये वीडियो आगे ले जाने से पहले दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा इस उंगली को कष्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इसी उंगली से सब्सक्राइब बटन को हिट करना है, और हिट कीजिए, आगे रहिए, देखते रहिए इंटरेस्टिंग वीडियो। तो सबसे पहले पीकॉक वास के साथ शुरू करते हैं। ये जब छोटा रहता है तब इसको थोड़ा सा तो मेंटेन करना पड़ता ही है, क्योंकि इम्यून पावर थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जैसे जैसे ये पीकॉक वास ग्रो करता है, पीकॉक वास के में बहुत सारा वैरायटी होता है, ये जैसा मोनोकुलस दिख रहा है, कैलवेरी भी होता है और ओरिनोको होता है, बहुत सारा वैरायटी होता है, तो ये लो मेंटेनेंस है। एरोना, एरोना में एशियन एरोना, सिल्वर एरोना, बहुत सारा वैरायटी है। अभी आप लोगों को सिल्वर, एल्बिनो सिल्वर दिख रहा है, इसके बाद आप लोगों को दूसरा वैरायटी मिलेगा। तो ये जो ड्रैगन फिश या एरोना है, इसका भी सेम फंडा है। इसको भी जब ये छोटा रहता है तब इसको केयर तो थोड़ा करना पड़ता है, जैसे ये धीरे धीरे ग्रो करता है, मैच्योर होता है, मॉन्स्टर होता है, तब ये अपने से स्ट्रांग हो जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखने से ही ये अच्छे से आपके पास रह जाएगा। मतलब ड्रैगन फिश भी देखा जाए तो लो मेंटेनेंस है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आते हैं फ्रंटूसा पे। फ्रंटूसा के ऊपर भी मेरा वीडियो है, इसका भी बहुत सारा वैरायटी होता है, सेम है दोस्तों। ये जैसे ग्रो होगा, इसको अगर आप थोड़ा सा केयर करें तो बढ़िया से रहेगा। गोरामी में जैसा रेडटेल गोरामी होता है, सेम एल्बिनो गोरामी भी होता है। ये साइज में बड़ा हो जाता है, कंपैरेटिवली एल्बिनो गोरामी थोड़ा बड़ा होता है रेडटेल से, लेकिन रेडटेल गोरामी का भी देखने में एक अलग खूबसूरती है। तो इसको भी आप लोग बेयर टैंक में रख सकते हैं, सैंड में रख सकते हैं, हल्का सा डेकोरेशन करके भी रख सकते हैं। और लगभग सभी तरीके का कार्निवोरस फिश है, तो ये खाना खाता है, प्लस ये भेज भी खाता है। मतलब आप अगर कुछ वेजिटेबल्स भी दो तो भी ये खा लेता है, मतलब आराम से सब तरीके का खाना खाएगा। और ये सेनेगल की वैरायटी है। सेनेगल भी जैसा थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, थोड़ा सा बड़ा साइज हो जाता है, तो ये भी एक मॉन्स्टर वैरायटी का फिश है। बॉटम में रहता है, बहुत बढ़िया कलर साइज होता है, और जब ये ग्रो कर जाता है तो लुक लाइक क्रोकोडाइल। इसको भी आप लो मेंटेनेंस में रख सकते हैं, क्योंकि अब आ रहा है ये कैट का वैरायटी। कैट का लगभग जितना वैरायटी है जो थोड़ा बड़ा साइज में है, जैसे ये सोवेलनोस कैट है, ये सब स्ट्रॉन्ग फिश होता है। एरापाइमा के बारे में अलग से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लगभग मेरे सारे दोस्तों को पता ही है, एक मॉन्स्टर ग्रुप का है। क्लाउन लोच, क्लाउन लोच तो है सॉफ्ट वैरायटी का, लेकिन क्लाउन लोच भी बहुत बढ़िया फिश है। ये ग्रुप में रहता है और लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करता है, अलग से इसका केयर करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। रेड स्पॉटेड शिवरम, हम लोग इसको सेमी मॉन्स्टर फिश भी कहते हैं, तो ये रेड स्पॉटेड शिवरम या फिर यहाँ पे जो रॉकटेल शिवरम है, ये रॉकटेल शिवरम और रेड स्पॉटेड, ये सब करंट स्टॉक का वीडियो है। इसको भी आप लोग एकदम नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल फिल्टरेशन और जो फीडिंग होता है वो नॉर्मल देके भी आप रख सकते हैं। शिवरम की फिलहाल तीन डिफरेंट साइज और वैरायटी अवेलेबल है, यहाँ पे जैसा हॉर्न पैरट के साथ हम लोगों ने शिवरम रखा हुआ है। कुछ दोस्त जो ये वीडियो देख रहे हैं और शायद सोच रहे हैं कि मैंने भी तो ये फिश पाला था, लेकिन ये फिश मेरे पास ज़्यादा दिन ठीक से नहीं रहा, फिश को मैं खाना भी देता था, वाटर चेंज भी करता था, लेकिन कुछ दिन बाद ही एक्सपायर कर गया, ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा गलती कहाँ पे होता है। गलती होता है एकदम शुरुआत में। आप लोग अगर शुरू में टैंक साइज, फिल्टरेशन, वाटर चेंज, फूड, ये क्या रहेगा, ये सारा फिश का,
ये अगर नॉलेज ले लेते हैं एंड देन यू स्टार्ट कीपिंग फिश, तो क्या होगा, आपको बाद में जाके प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लो मेंटेनेंस में भी ये सारे फिश को बढ़िया से रख पाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो आगे भी है, आगे देखते रहिए, यहाँ पे एंड नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा, आप लोगों का बहुत सारा रिक्वायरमेंट आ रहा है, आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट भी मिल रहा है, तो आप लोगों को जो भी चाहिए वो फिश के बारे में ज़रूर जान लीजिए, उसका फीडिंग, फिल्टरेशन, केयर, कम्युनिटी कहाँ पे जानिएगा, ये दो नंबर में दे रहा हूँ। ये दोनों नंबर पे आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक हमारे टीम आप लोगों का रिप्लाई करेगा। कभी कभी किसी का रिप्लाई देने में थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आप लोग नाराज़, गुस्सा, डिसअपॉइंट मत होइएगा, हम लोग ज़रूर आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि हमारा ये फैमिली इसी तरीके से बढ़ेगा, सबको सबका सपोर्ट करके। वीडियो आगे है, देखते रहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं रेड टेल कैट या RTC के साथ। ये मॉन्स्टर ग्रुप का फिश है, थोड़ा सा केयर कीजिए तो ये बढ़िया से ग्रो कर जाएगा। इसके बाद फ्लॉर हॉर्न ड्रैगन फिश। फ्लॉर हॉर्न की तो कुछ बात ही अलग है, ये तो अकेला राजा है, क्योंकि एक एक्वेरियम में हम लोग हमेशा बताते हैं कि एक ही फ्लॉर हॉर्न रखिए, लो मेंटेनेंस है, ज़्यादा कंजेस्टेड एकदम नहीं करना है, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं देना है, एक स्पॉन्ज फिल्टर, एक टॉप फिल्टर से आराम से आप रख पाएंगे। विंटर के सीजन में एक थर्मोस्टर देना पड़ेगा आपको, और इसका हर मंथ सिर्फ डीवॉर्मिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पेट में कोई मैल ना जमे। ये आ गया पिंकटेल सिकलेट। पिंकटेल सिकलेट भी मॉन्स्टर का एक वैरायटी है, ये भी बड़ा हो जाता है और कम्युनिटी में रहता है। और NTT इंडोनेशियन टाइगर, इनका भी स्टॉक है, और ये भी आप मॉन्स्टर कम्युनिटी में रख सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा हाइडिंग स्पेस देके रखना पड़ता है शुरुआत के दिनों में। आते हैं ब्लैक घोस्ट और फेदर की तरफ। ये ब्लैक घोस्ट और फेदर ये भी बहुत बड़ा हो जाता है शुरुआत के दिन में, जैसा जो छोटा रहता है 1.5-2 इंच, तो थोड़ा केयर कीजिए, बाकी ये अपने से ग्रो करेगा। ऑस्कर की तो बात ही कुछ अलग है, क्योंकि इसका बहुत सारा वैरायटी होता है, हॉट फेवरेट है, हॉट केक है सबका, और इसको भी आप लोग देखते हैं जिन जिन के पास ऑस्कर है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेडेक वाला फिश नहीं है, थोड़ा सा इनको मेंटेन कीजिए, प्यार दीजिए, प्रॉपर फीडिंग दीजिए, ये बहुत बढ़िया तरीके से बहुत जल्दी और कलरफुल ये ग्रो कर जाएगा। देखिए ऑस्कर की वैरायटी। इसके बाद हम लोग थोड़ा नाइफ फिश के तरफ जाते हैं, अल्बिनो नाइफ, क्लाउन नाइफ, रॉयल नाइफ, ये जितना भी नाइफ फिश का वैरायटी है, ये सब कम्युनिटी में रहने वाला फिश है, इसको नॉर्मल तरीके से रखा जाता है, नॉर्मल भी फीडिंग होता है। और एलिगेटर गार है एक लो मेंटेनेंस में बढ़िया मॉन्स्टर फिश। दोस्तों, एंड तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को मेनी थैंक्स। इसी तरीके से अशोक एक्वा के फैमिली बन के रहिए, साथ में रहिए, सपोर्ट कीजिए, और आने वाले दिनों में जैसा हम लोग हर बार बनाते थे इंटरेस्टिंग वीडियो, वो इंटरेस्टिंग वीडियो तो हो गए, लेकिन इस बार, इस साल बहुत सारा इनोवेशन भी होगा। तो इसके लिए जो मेरे नए दोस्त थे, जो अभी तक हमारे फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक का वीडियो, इन्फॉर्मेशन वीडियो, आप लोगों का क्वेश्चन का जवाब और भी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलते रहेगा। टिल देन सबाई को भलो थकबें, अगेन अ वेरी हैप्पी एंड लकी न्यू ईयर। नमस्कार।